अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम राइज़ एंड शाइन स्कूल। एज़ यू नो, आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर महावेश इमरान। टुडे आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशन राइटिंग, एंड आई ऑल्सो मेंशन अ पैटर्न फॉर द हेल्प टू मेक एप्लीकेशन क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, आप लोग स्कूलोजी पे अपने कमेंट सेंड कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और समझ भी आ रहा है। स्टूडेंट्स, स्कूलोजी पे आप लोगों के कुछ कमेंट्स मिले जिसमें आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो आप लोगों की इंग्लिश की 3 कॉपीज़ हैं आपके कोर्स में, जिसमें से एक आपने लिटरेचर के लिए बनानी है और 2 आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए हैं, जिसमें से एक आपने इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए बनानी है और दूसरी आपने राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन, फ्रेजल वर्ब इनके लिए बनानी है। होप आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट, टिप्स टू राइट लीव एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको जहन में रखते हुए एप्लीकेशन लिखना बहुत इफेक्टिव होता है। नंबर फर्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन इन द पोलाइट मैनर विद एक्सप्रेस योर अपील ऑफ लीव एंड विच साउंड जीनियस। यानी कि आप जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो बहुत नरम अल्फाजों में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मल अंदाज में होनी चाहिए, और जो जिस मकसद के लिए या जिस वजह के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो पॉइंट बहुत जीनियस होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। सेकंड है, मेंशन द रीज़न क्लियरली फॉर विच यू आर गिविंग लीव। आप किस मकसद के लिए या किस रीज़न के लिए लीव लिख रहे हैं उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसका रीज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। द एप्लीकेशन शुड बी ऑन पॉइंट। एप्लीकेशन जो है वो बहुत पॉइंटेड होनी चाहिए, यानी कि बहुत कम अल्फाजों में और बहुत फॉर्मल अल्फाजों में आपने अपनी एप्लीकेशन को लिखना है। इसमें हम अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स और अपने व्यूज शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो बहुत शॉर्टर और बहुत ज़्यादा मुख्तसर अल्फाजों में होने चाहिए, और वो अल्फाज जो कि इफेक्टिव हों। लास्ट है, क्रॉस चेक विद स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड पंक्चुएशन एरर्स। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आपने दफा क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या पंक्चुएशन मिस्टेक्स तो नहीं है। ये सबसे अहम पॉइंट है एप्लीकेशन राइटिंग का, जिसके थ्रू आप मिस्टेक्स करने से या मिस्टेक होने से अपनी एप्लीकेशन को बचा सकते हैं, और आपकी जब एप्लीकेशन सामने जाएगी आपके प्रिंसिपल के पास या आपके टीचर के पास, तो उसमें से कोई मिस्टेक नहीं निकलेगी। तो एक ज़रूर आप जो है वो अपने एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक कर लें, उसमें मिस्टेक देख लें। और सिर्फ एक एप्लीकेशन ही नहीं, आप जब भी अपना कोई भी काम लिखें, होमवर्क करें या अपने एग्जामिनेशन में अपना पेपर फिल कर रहे हों, तो एक दफ़ा उसको ज़रूर क्रॉस चेक करें, ताकि आपके मिस्टेक्स होने से बचत हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की और आप उस मिस्टेक को सही कर सकें। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द टेम्पलेट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, राइट एप्लीकेशन लिखने से पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मेट को एक नज़र देख लेंगे, ताकि हमें एप्लीकेशन लिखने में आसानी हो जाए, और बिल्कुल हमारे सामने क्लियर व्यू होना चाहिए कि हमें किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है। द हेडमिस्ट्रेस एक्स वाई जेड स्कूल, यानी कि 8 क्लास, 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के लिए जो है वो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप अपने एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसमें आपको अपना नाम मेंशन करना और स्कूल का नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता बोर्ड में, और 8th क्लास जो है वो 9th क्लास के पैटर्न पर ही स्टडी कर रही होती है, या उसकी जो कोर्स होता है वो 8th क्लास का
नाइन्थ क्लास के हिसाब से ही होता है, तो इसीलिए ये पैटर्न भी इसी तरीके से डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको आगे नाइन्थ क्लास में भी आसानी हो सके। सो टू द हेड मिस्ट्रेस XYZ स्कूल कराची। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट कि आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव किस चीज़ के लिए है, सिक लीव के लिए है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए है, जो भी है वो आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, इस तरीके से आप अपने सर को या मैडम को मुखातिब करेंगे। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, रीज़न, और फिर थैंकफुल का आपका नोट होगा एक छोटा सा। देन आप थैंक यू लिखेंगे, फिर आप योर ओबीडियंट स्टूडेंट XYZ क्लास और आपकी डेट। ये फुल पैटर्न है आपका जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का होमवर्क है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड आस्क हिम टू ग्रांट योर सिक लीव फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, जो भी आपका पैटर्न है आप उसके हिसाब से अपने एप्लीकेशन, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरी हमारी एप्लीकेशन लिखी हुई है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से जो पैटर्न आपने अभी देखा है। आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर आपका इंट्रोडक्शन स्कूल का होगा, फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे अपना पूरा पैटर्न लिख देंगे, आपका पैटर्न क्या है। देन योर ओबीडियंट स्टूडेंट XYZ, आपका नाम कुछ भी नहीं होगा, नाम की जगह जो है वह अपना XYZ लिखेंगे और क्लास की जगह आप अपने क्लास मेंशन करेंगे 8 क्लास, और आपकी डेट यहाँ आ जाएगी। होमवर्क, आपको होमवर्क ये है कि आपने वीडियो को बार बार देखना है और आपने इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन पूछने तो आप उसको लोजी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड, फिर आपने अपना टाइटल बनाना है एप्लीकेशन का और आपने फॉर्मेट पैटर्न लाजमी कॉपी आउट करना है। फिर आप एक और अपना एप्लीकेशन का टाइटल पेज बनाएंगे जिसमें आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आप अपने सिक लीव लिखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको मुकम्मल तौर पे समझ में आएगी। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में स्कोलॉजी के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।